विश्व विकलांगता दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आयोजित की गई खेलकूद स्पर्धा के दूसरे दिन ब्लाइंड क्रिकेट स्पर्धा सहित अन्य दिव्यांगों की क्रिकेट स्पर्धा आयोजित की गई। आरएपीटीसी मैदान पर आयोजित की गई इस स्पर्धा में दिव्यांग बच्चों और युवाओं ने पूरे मनोयोग से क्रिकेट में गेंद और बल्ले पर हाथ आजमाए। देखिए खास रिपोर्ट। यूं तो वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब छन छन की आवाज करती आती हुई गेंद पर शॉट्स लगाते हैं या फिर फील्डिंग करते हैं या कैच पकड़ते हैं तो उनके हौसले आसमान पर होते हैं। इनका खेल देखकर कोई कह नहीं सकता कि खिलाड़ी नेत्रहीन है। इन नेत्रहीन दिव्यांगों में से कोई राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है तो कोई राज्य की टीम का हिस्सा है। बुधवार को ये सभी खिलाड़ी ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए एकत्र हुए और सामाजिक न्याय विभाग की खेलकूद स्पर्धा में शिरकत की। आपस में खेले गए क्रिकेट मैच में इन नेत्रहीन खिलाड़ियों ने खूब चौके छक्के लगाए और खूब कैच लपके। बता दें कि ब्लाइंड क्रिकेट को लेकर कई बार लोगों के मन में अवधारणाएं होती हैं, जिन्हें इन खिलाड़ियों ने अपने जवाब से दूर किया और बताया कि कैसे वो इस खेल को आंखों के बिना खेलते हैं। सर, जैसा कि अभी हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, आपने भी थोड़ा बहुत क्रिकेट देखा हम लोगों का, तो हम जैसे मैदान या ग्राउंड तो सेम वही होते हैं, हम लोगों की बॉल थोड़ी सी चेंज होती है, उसमें एक बाइसर भरे रहते हैं जो साउंड करती है, तो उसके बाद हम लोग अंडर आर्म बॉलिंग करते हैं, उसको साउंड के दम पे जो देख नहीं सकते बैट्समैन ब्लाइंड लोग, उसको साउंड के दम पे वो शॉट मारते हैं। आप जैसे देख रहे थे कि शॉट चौके छक्के भी मारते हैं। हमारे मैच में तीन कैटेगरी के प्लेयर होते हैं। एक B1 होता है जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, एक B2 होता है जिन्हें थोड़ा सा विजन होता है, और एक B3 होता है जो थोड़ा बाउंड्री से बॉल को देख सकते हैं। ऐसे तीन कैटेगरी के प्लेयर होते हैं, उन तीनों को मिला के हम 11 प्लेयर की एक टीम बनाते हैं, जिसमें B1 के 4 होते हैं, B2 के 4 और B3 के 3। ऐसे हमारी पूरी 11 प्लेयरों की टीम होती है, फिर हम ग्राउंड पे से मैच खेलते हैं। सर, सरकार की तरफ से तो अभी हमको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जो हमारे NGOs वगैरह हैं, वही जैसे हमारा, मैं एक्चुअली नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से हूँ, और जो मेरे साथ में है वो भी एक ये किला मैदान से है, तो हम लोग सर शासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता है। बस जो सर से ही हमें थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है, उसी के दम पर फिर हम आगे क्रिकेट खेलने आते हैं। सर से हमें कुछ नीड्स होती है, हम सर को बोलते हैं, सर डोनरों से हमारी व्यवस्था कराते हैं, उसी दम पर गवर्नमेंट से लगभग हमें भी कोई सहयोग नहीं मिलता। सर, टफ की बात तो है कि ब्लाइंड के लिए तो हर चीज़ क्रिकेट के हिसाब से बहुत कुछ टफ है, जैसे मैच भी बहुत एक टफ टाइप का ही है। आप इनने अभी हम लोग का क्रिकेट देखा है, पूरा साउंड के ऊपर डिपेंड होता है ना, शॉट इतना पावरफुल रहते हैं तो इतनी जल्दी सर बॉडी को मूव कराना, फील्ड करना, उसको थ्रो करना कीपर के पास जो रहता है, ये ब्लाइंड के लिए थोड़ा सा एक प्रैक्टिस में थोड़ा ज़्यादा हम लोग को हार्ड प्रैक्टिस करना पड़ती है। उसके बाद हमको स्ट्रगल तो लगभग सब जगह करना पड़ता है, मतलब फैसिलिटीज़ के ऊपर भी हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट की तरफ से हमको कुछ इतने नहीं मिल पाते जितने हम लोग चाहते हैं। सामान्य क्रिकेट को बहुत ज़्यादा क्रिकेट, मतलब उनको जितनी फैसिलिटी हमको उनके बराबर ना के बराबर ही फैसिलिटी है। हम लोग के प्लेयर्स वगैरह जो जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो उनके पास बैट गेंद भी नहीं, बैट वगैरह भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वो इधर उधर से मांग मूंग के हम लोग क्रिकेट मतलब खेलते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन से हम लोग को सारी फैसिलिटी मिलना चाहिए, तो हम लोग अपने क्रिकेट को और अच्छा खेल सकते हैं, बड़ा स्टैंडर्ड पर खेल सकते हैं। आर्थिक मदद अभी हम लोग को कुछ नहीं मिलती, जैसे हम लोग की अभी इंडिया टीम वर्ल्ड कप हाल ही में अभी ODI वर्ल्ड कप जीत के हम लोग की टीम आई थी, तब हमको कुछ केस प्राइस वगैरह मतलब जो प्रधानमंत्री इन लोगों ने खेल मंत्रालय ने दिए थे, बाकी वो ना के बराबर ही, क्योंकि एक सामान्य क्रिकेटर को जो एक
मैच फीस ही मिलती है, उसके बराबर हम लोग को कैश अवार्ड मिले थे। तो ये चीज़ थोड़ी सी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम लोग के क्रिकेट में मतलब फंडिंग बहुत ज़्यादा कम है, इसके कारण गवर्नमेंट को इसके बारे इसमें से कुछ सोचना चाहिए। सामाजिक न्याय विभाग के आयोजन में शामिल होने वाले इन दिव्यांग खिलाड़ियों ने न सिर्फ सरकार की ओर से हो रही उनकी उपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित कराया बल्कि ईमानदारी से सहयोग करने की गुहार लगाई। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे हम जो एमपी टीम में क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, हमारे जैसे और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी लोग हैं जो कि हमारे टीम तक नहीं पहुँच पाता है, खेल नहीं पाता है, उन लोगों को जागरूक करें और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सहयोग है और मदद हेल्प करें हमारी टीम के लिए। बाहर के अदर राज्य की भी टीमें होती है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हम लोग टूर्नामेंट नहीं करा पाते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमें इतना सहयोग वहयोग नहीं प्रदान कर पाती है, तो हम यहाँ पे हमारे यहाँ टूर्नामेंट नहीं करा पाते, तो हमें उस चीज़ के लिए थोड़ा सहयोग वहयोग प्रदान करें तो हम भी बाहर के अदर राज्य की टीम को बुला के हम यहाँ टूर्नामेंट करा सकें। इस स्पर्धा के दौरान अन्य श्रेणी के विकलांगों की भी क्रिकेट स्पर्धा कराई गई। कुल मिलाकर अगर इन दिव्यांगों को सरकार पूरी सुविधाएं दे तो ये साधारण इंसान को भी मात दे दें। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।